हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपार्थ किचन। आज हम बनाएंगे कढ़ी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले मैंने एक भगोने में आधा किलो दही ली है, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही को अच्छे से फेंटने के बाद एक कप बेसन डालेंगे और इसको दोबारा हम फेंट लेंगे। बेसन को दही में अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन दही में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें 3 गिलास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद 1 चम्मच हल्दी डालेंगे और इसको कड़छी से चला देंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद हम इसे गैस पर रखेंगे मीडियम फ्लेम पर। कढ़ी को कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल ना आए। कढ़ी का फटने का डर रहता है, इसलिए इसे चलाते रहें। कढ़ी में उबाल आने के बाद हम इसमें 1.5 चम्मच नमक डालेंगे। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे और तब तक हम कढ़ी के लिए पकौड़ियाँ बनाएंगे। जिसके लिए सबसे पहले मैंने 1.5 कटोरी बेसन लिया है और बेसन में थोड़ा सा पानी डाल के फेंट लेना है। पानी को अपने हिसाब से या बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। बेसन को अच्छे से फेंटने के बाद 3 से 4 हरी मिर्च, 1 प्याज और हरा धनिया डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन, जिसे मैंने हाथ से क्रश कर लिया है। क्रश करने के बाद अजवाइन में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच नमक और थोड़ा सा हींग। और सभी मसालों को मिक्स कर लेना है। मुझे थिक लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब हम एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डालकर इसको गरम कर लेंगे। तेल अच्छे से गरम हो चुका है। आप चाहे तो पकौड़ी का बैटर थोड़ा सा डालकर चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें एक एक करके पकौड़ियाँ डाल के तलेंगे और थोड़ी देर बाद इनको पलट देंगे। पकौड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे और फिर हम बाकी बची हुई पकौड़ियाँ भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं पकौड़ियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब हम कढ़ी के लिए तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने जीरा, मेथी, अजवाइन, लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, करी पत्ता, धनिया, हींग, 1 कटा हुआ प्याज और कस्तूरी मेथी लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने तेल लिया है जो कि पकौड़ियों से बचा हुआ था। और अब हम इसमें जीरा, मेथी, अजवाइन और उसके बाद लाल मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा इनको पका लेते हैं, फिर उसके बाद लहसुन डालेंगे। लहसुन के पकने के बाद अब हम इसमें प्याज डाल के अच्छे से भून लेंगे और अब हम इसमें करी पत्ता डालेंगे। ये देखिए, प्याज का कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब प्याज अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च डालते समय गैस को बंद कर लें, नहीं तो ये जल जाएगा। और थोड़ा सा मसाले को भून लेते हैं। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे कढ़ी में डालेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है। और इस तरीके से कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे एक बार ज़रूर घर में ट्राई करें। मसाला डालने के बाद इसे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए, कढ़ी में उबाल आ चुका है और अब हम इसमें पकौड़ियाँ डालेंगे और इसको 5 मिनट तक पकने देंगे। और 1/2 चम्मच डालेंगे हम कस्तूरी मेथी। और लास्ट में हम डालेंगे हरा धनिया। कढ़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम बनाएंगे बाजरे की रोटी, जिसके लिए मैंने 2 कप बाजरे का आटा लिया है। आटे को हम सबसे पहले छानेंगे। आटे को मैंने छान लिया है। अब यहाँ हम आटे को गूंदेंगे।
ध्यान रहे बाजरे का आटा गूंदने के लिए हमें थोड़ा सा गर्म पानी यूज करना है। और पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। आटा हमारा रेडी हो चुका है, चलिए अब रोटी बनाते हैं। थोड़ा सा आटा लेकर उसे बॉल की तरह बना लेंगे। आप चाहे तो गेहूं का सूखा आटा लगाकर बेल भी सकते हैं रोटी को। मैंने थोड़ा सा पानी हाथ में लगाकर रोटी को बनाया है। जैसे हम पानी हाथ की रोटी बनाते हैं ठीक उसी तरीके से। अब हम इसे तवे पे डालेंगे। तवा मैंने पहले से ही गरम कर रखा था। रोटी के एक साइड थोड़ा पकने के बाद इसको दूसरी साइड से भी हम थोड़ा सा पका लेंगे। दोनों साइड हल्का पकने के बाद हम इसे डायरेक्ट गैस पे पकाएंगे। बाजरे की रोटी को डायरेक्ट पकाया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। बाजरे की रोटी और कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे मक्खन के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।